हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में अब एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें पॉलिटी का भी पार्ट आता है, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना डिटेल सिलेबस है पॉलिटी का, और सवाल मुश्किल से 2-3-4 सवाल ही मिलते हैं, और उनको कैसे पढ़ा जाए। तो मैं यहाँ आपके इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। मैं आपको 50-100-150 क्वेश्चंस जो पिछली बार एसएससी में आ चुके हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप सिर्फ इनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इन सवालों को सिर्फ पिछले सवालों को, मतलब ये नहीं कि पिछले सवाल आ गए तो ये नहीं, एसएससी किस तरह के सवाल पूछती है। जैसे एसएससी ने पिछले साल अगर इस तरह के सवाल पूछा कि लोकसभा के सदस्य कितने थे, तो इस बार इस तरह के सवाल पूछते हैं कि राज्यसभा के कितने थे, बस इतना सा चेंज होता है। तो हम इन्हीं जो पिछली बार सवाल आ चुके हैं एसएससी में, उन पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए मैं आपको सारे एक एक ऑप्शन पर डिटेल में बात करेंगे, पूरे बैकग्राउंड में जाकर एक एक ऑप्शन को हम खोल के रखेंगे। आप अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो हम इन सवालों पर डिस्कस करते हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें पॉलिटी के सवाल यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। और सिर्फ एसएससी नहीं, एसएससी के अलावा अगर पटवार रीट कांस्टेबल के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो ये सभी के लिए काम आने वाले, पॉलिटी सब्जेक्ट सभी में आता है, वहाँ तो ये पोर्शन ज़्यादा भी होता है। सवाल दूसरे जो आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, पटवार रीट कांस्टेबल के दे रहे हैं, उनके लिए सवाल इजी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके लिए बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सवालों को देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल के जो अब तक पेपर हो चुके हैं, जो ये सवाल जैसे आप देख रहे हैं 2016 के जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका ये सवाल है। इस तरह से मैं अभी फर्स्ट सेशन में इसको 50 सवाल ले रहा हूँ, और हम डिटेल में एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन और लिखाऊंगा जिसमें और सवाल को हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है प्रश्नकाल के बाद, एक एक चीज़ों को हम समझते जाएंगे। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ प्रश्नकाल, हम समझेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे भी थोड़ा। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण कर लें। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है विशेष अधिकार प्रस्ताव, इसको विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव वैसे शुद्ध रूप में ये है। आपके एग्जाम में यही सवाल इसी तरह से छपा था, वास्तव में इसको कहते हैं विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका सही आंसर देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान आकर्षण के लिए लाया गया प्रस्ताव ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। क्या कह रहा है ये? प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में किसी सदस्य के द्वारा, देखो पहले तो समझते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है। जब संसद की कार्यवाही चल रही है, संसद की जब कार्रवाई चलती है, जो संसद का जो पहला घंटा होता है, जो संसद का जो फर्स्ट आर होता है, वो लोकसभा में प्रश्नकाल ही होता है। इस प्रश्नकाल में क्या कर सकते हैं? तो प्रश्नकाल में आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में जो भी संसद के सदस्य हैं वो सरकार से, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसका नाम होता है प्रश्नकाल। क्लियर? प्रश्नकाल में कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? प्रश्नकाल में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मौखिक सवाल होते हैं, जिनको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। एक सवाल लिखित रूप में पूछे जा सकते हैं, जिसको हम अतारांकित सवाल कहते हैं। देखो यहाँ पर तारांकित, अतारांकित सवाल, और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। बस इतना सा ध्यान में रखना है, इससे हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्रश्नकाल लोकसभा में ये 11 बजे से लेकर 12 बजे का एक घंटे का चलता है। 3 प्रकार के प्रश्न, पहला जो प्रश्न होता है उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा होता है, वो मौखिक प्रकार के होते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो आरपीएससी में ज़्यादा पूछते हैं, कि कौन से प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने सवाल पूछा, किसी मंत्री ने सवाल पूछा, सदस्य ने सवाल पूछा, मंत्री जी ने जवाब दिया, और वापस आपने काउंटर क्वेश्चन किया, उसको कहते हैं पूरक प्रश्न पूछना। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लिखित में आपको सवाल पूछना होता है और लिखित में ही जवाब देना होता है, इसको कहते हैं अतारंगित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो ये हो गया प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद जब सेशन चलता है तो किसी विशेष महत्व के मुद्दे पर, जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बाहर कोई विशेष मुद्दा हुआ उस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये इसका सही आंसर होगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दूसरा देखते हैं कि विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज मोशन। अगर संसद का कोई भी सदस्य संसद में गलत जानकारी नहीं दे सकता है, झूठे आरोप नहीं लगा सकता है, संसद का कोई भी सदस्य, चाहे मंत्री हो या कोई भी दूसरा सदस्य, अगर कोई भी मंत्री संसद में गलत जानकारी देता है, कोई दूसरा सांसद झूठी जानकारी देता है,
झूठे आरोप लगाता है तो उस सांसद के खिलाफ संसद में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। ये विपक्ष भी ला सकता है, सत्ता पक्ष के सदस्य भी ला सकते हैं। अधिकांश ये सरकार के विरुद्ध लाया जाता है ना, और लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके लिए भी स्थगन प्रस्ताव, इसको हम काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। किसी इसमें भी किसी विशेष करंट इश्यूज़ पर, जो बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, संसद की नियमित कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये विपक्ष के सदस्य इसलिए लाते हैं कि सरकार का अब विश्वास नहीं रहा है, बहुमत नहीं रहा है लोकसभा में। इसके लिए अगर सरकार का बहुमत नहीं है तो सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाकर, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। एकमात्र ये प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, लोक लेखा समिति। पहले तो हम सवाल की बात करते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा, देखो लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के बारे में, अब देखो लोक लेखा समिति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इस इंग्लिश में हम कह सकते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में बहुत अच्छा सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो इसको संसद की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी माना जाता है, इसकी स्थापना सबसे पुरानी समिति मान जाते हैं, इसकी स्थापना 1921 में हुई। पहला फैक्ट, इसकी स्थापना 1921 में हुई है, इसलिए ये सबसे पुरानी समिति है। ये काम क्या करती है? देखो नाम है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा, लेखा इसका मतलब हिसाब किताब। जो ये संसद पर कंट्रोल करती है, संसद की तरफ से जो भी खर्च आ रहा है उसका हिसाब किताब रखने का काम करती है। हमारे जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उस रिपोर्ट का एनालिसिस यही समिति करती है। ये एक प्रकार की वित्तीय समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, अगला सवाल ये होता है, तो इसकी सदस्य की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे। अभी बात की है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। आप मुझे बताएं कि वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा में? तो इसका जवाब है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है, इसका दर्जा किसी को भी नहीं मिला है। लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा पाने के लिए भी कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए विपक्ष की पार्टी के पास, किसी एक सबसे बड़ी पार्टी के पास 55 सीटें होनी चाहिए। 55 का मतलब है टोटल सीटों का 10%, ये होगा तभी आपको विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सकता है। और आपको पता है कि वर्तमान जो लोकसभा है उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उनके पास 55 सीटें नहीं है, इसलिए किसी भी पार्टी को विपक्ष का नेता का दर्जा नहीं मिला हुआ है। विपक्ष का नेता के दर्जे को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है। तो इसका अध्यक्ष कौन है, अभी ये भी बात कर लेते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि लोक लेखा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि विपक्ष का नेता कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता बन रखे हैं, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ध्यान देना, ये विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना रखे हैं, नाम है अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में PAC के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट, अगले सवाल पर बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे सामने चार ऑप्शन, देखो हम चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको इनके बारे में अगर कोई भी सवाल पूछे तो बाकी सबके बारे में आपको पता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिसको भारत कोकिला भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है किसी भी राज्य की, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। और क्या सवाल बन सकता है? सरोजिनी नायडू के बारे में सवाल बनता है, ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी और ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष। ये सवाल कई बार पूछा गया। इनके पहले, सरोजिनी नायडू के पहले भी 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा चुका था और वो पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। जब पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी,
तो भारतीय महिला में नाम आता है सरोजिनी नायडू, जो कि 1955। तो दो डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। 1917 में एनी बेसेंट बनती है, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी, वो पहली महिला थी पर भारतीय नहीं थी, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑप्शन दे रखा विजय लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में क्या, एक तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उनकी सिस्टर है, उनकी बहन है, और ये पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, 1953 में 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो हमारे यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उनकी जो महासभा की अध्यक्ष बनने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। शारदा मुखर्जी के बारे में, ये महिला गुजरात और आंध्र प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी, महिला राज्यपाल, तो इसलिए इनका नाम आता है। फातिमा बीवी के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, फातिमा बीवी कौन थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में बन चुकी है फातिमा बीवी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और दुनिया की पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, तो इन चारों के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सवाल आसान है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन, ये आसान सा सवाल है, आपको आना चाहिए, और ये बहुत अच्छा सवाल रिपीट होता है जो कि, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, सवाल क्या पूछा जा सकता है, मूल कर्तव्य कौन से भाग में आता है, तो इसका आंसर होगा भाग 4(4)(a). कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51(k). अब बात करेंगे कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं मूल कर्तव्य में, टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला सवाल जो मूल कर्तव्य से बनेगा, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में शुरुआत से नहीं थे, बाद में जोड़े गए, बाद में कब जोड़े गए, 1976 में। ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अगला सवाल हमारा यहाँ से बन सकता है, तो मूल कर्तव्य से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका का मतलब क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहते हैं, जनहित याचिका PIL का मतलब क्या है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ये SSC के 2016 में शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, ऑप्शन तीन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, और यही इसका सही आंसर है। अभी हम समझते हैं कि जनहित याचिका क्या होती है। देखो, आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको इन सब के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में अभी भी निरक्षरता है, तो इसमें एक प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है वो जनहित में एक याचिका ला सकता है। अब सवाल क्या पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो भारत की इसकी शुरुआत होती है 1980 के दशक में, जनहित याचिका की शुरुआत हुई। इसको शुरुआत करने वाले के श्रेय किसे दिया जाता था, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे PN भगवती, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, PN भगवती को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुई, तो दुनिया में सबसे पहले PIL की शुरुआत USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जनहित याचिका की शुरुआत होती है। भारत में इसकी शुरुआत करने वाले PN भगवती थे जो 1980 में। कोई भी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी, थर्ड पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आम लोगों के हित में एक याचिका दायर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है, ये हमारा अगला सवाल है। ये शिफ्ट सेकंड में 27/8/2016 के SSC CGL पेपर में पूछ रखा है। देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी जैसे जो भी IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर हैं, वो संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी। लेकिन ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है कि जो भी संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी होते हैं जैसे IAS, IPS, वो राज्य में काम करते हैं, राज्यों में काम करते हैं, राज्य की सरकार के अधीन काम करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति और उनको बर्खास्त करना, उनको सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, उनको कौन कर सकता है, तो सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति
उनको नियुक्त करते हैं, वही उनको बर्खास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन है, सुषमा स्वराज, मार्गरेट हलवा, मीरा कुमार और सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार है। मीरा कुमार, देखो अभी बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो इसका आंसर होगा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अगला सवाल ये आएगा कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष राजस्थान से ही कोटा के सांसद श्री ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो नाम आएगा ओम बिड़ला। नेक्स्ट अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, अभी देखो यहां पर बात आ रही है प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी हमने नाम दिया मीरा कुमार, वो कौन सी लोकसभा की थी, तो इसके पहले जो 17वीं के पहले जो 16वीं लोकसभा थी उनकी अध्यक्षता भी महिला ही थी और वो श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। तो सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, सुमित्रा महाजन। और इसके पहले जो लोकसभा थी वो 15वीं लोकसभा थी और उसी 15वीं लोकसभा की अध्यक्षता श्रीमती मीरा कुमार थी और वो देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी और सेकंड बनी थी सुमित्रा महाजन। तो 15वीं लोकसभा की जो अध्यक्षता थी वो श्रीमती मीरा कुमार थी। अब देखो हम बात करते हैं जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हमने बात करी थी सरोजिनी नायडू के बारे में, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की, इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी है और पहली भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी। इनके पहले एनी बेसेंट भी अध्यक्ष बनी थी 1917 में, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो पहली महिला अध्यक्ष थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में रह चुकी है। मार्गरेट हलवा की बात करें तो कांग्रेस की नेता रह चुकी है, राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है श्रीमती मार्गरेट हलवा। सुषमा स्वराज के नाम से आप परिचित होंगे, सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, इसके पहले वाली जो सरकार थी 2014 से 19 भारत सरकार, उनमें भारत सरकार की विदेश मंत्री वो रह चुकी है, बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, हाल ही में उनका निधन भी हो गया था। और इसके पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी है, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पर बात करें, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, कुछ संस्थाएं दे रखी है उनके बारे में पूछा जा रहा है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और योजना आयोग, ऐसी कौन सी संस्थाएं जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा है। देखो संविधान में हमें जो संस्थाएं मिलेगी उसमें तीन तरह की संस्थाएं हमें देखने को मिलेगी, एक संस्था कहलाती है संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, एक हम लिखेंगे संवैधानिक संस्था। संस्था कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, दूसरी हम देखेंगे सांविधिक संस्था, दूसरी प्रकार की संस्था हो जाएगी सांविधिक संस्था, और तीसरी प्रकार की संस्था ऐसी हो जाएगी जो गैर सांविधिक होगी, न तो संवैधानिक होगी न ही सांविधिक होगी, तो वो कहलाती गैर सांविधिक संस्था। तो इसको बात करेंगे हम गैर सांविधिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी उनको कह सकते हैं, गैर सांविधिक संस्था उनको कह सकते हैं, तो उनके बारे में। तो देखो हम बात करते हैं अभी इस ऑप्शन के बारे में, कौन सा यहां पर आयोग है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। देखो निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ पर भाग 15 में अनुच्छेद, जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 324 में हमारे यहाँ पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 324, तो इसका संविधान में उल्लेख दे रखा है निर्वाचन आयोग। सवाल पूछेगा निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है, निर्वाचन आयोग लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, ध्यान देना राज्यों की विधानसभा का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है, न कि राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायत और नगर निकायों के चुनाव करवाता है, ये विधानसभा के चुनाव भी करवाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है, आर्टिकल 324 में इनके बारे में लिखा है। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसके बारे में उल्लेखित है, आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग से जुड़ा, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बनते हैं, थोड़े से वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 280 में। पहली बात, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, कितने साल पर करते हैं, प्रति 5 वर्ष पर करते हैं, तो प्रति 5 वर्ष पर इसकी नियुक्ति होती है। सवाल पूछेगा वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो ध्यान देना मार्च, अभी जो वर्तमान में 31 मार्च को 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी तक 2015 से लेकर 2020 तक, अभी 2020 चल रहा है और 2020 में 31 मार्च को जो हमारा 14वां वित्त आयोग है, अभी वर्तमान में 14वां वित्त आयोग है वो कार्यरत है और वो खत्म होने वाला है, क्लियर।
लेकिन अब सवाल 14वां वित्त आयोग से नहीं पूछेगा, क्योंकि 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब हमें पूछेगा 15वां वित्त आयोग के बारे में। 15वां वित्त आयोग क्योंकि अब कंटिन्यू काम करने लग जाएगा, 2020 से 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। 15वां वित्त आयोग यहाँ पर चलेगा, इसका कार्यकाल होगा 2020 से लेकर 2025। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। क्या बनेंगे? एक तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि 14वां वित्त आयोग पिछले 5 साल से काम कर रहा था। अब सवाल पूछा जा रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। हम दोनों की बात कर लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको ध्यान में रखना है, वाईवी रेड्डी, श्री वाईवी रेड्डी, जो भारत के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। वाईवी रेड्डी जो हैं वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और एनके सिंह, श्री एनके सिंह नंद किशोर सिंह, इनका पूरा नाम है एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो एनके सिंह जो हैं वो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो लोक सेवा आयोग हमारे इसका संविधान में उल्लेख दे रखा है, भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख दे रखा है। इसका मतलब आपको जवाब अब मिल गया होगा। इन सभी तीनों संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है। योजना आयोग ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, और आपको पता है अब योजना आयोग का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। इसकी जगह पर एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग न तो एक संवैधानिक संस्था है न ही सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था किसे को कहते हैं? जिसका भी उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्था। कुछ ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है लेकिन सांविधिक विधि के द्वारा उसे स्थापित किया गया है, कानून बनाकर उसे स्थापित किया गया। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, एनजीटी, इस तरह की जो संस्था है जिनको विधि के द्वारा स्थापित किया गया वो सांविधिक संस्था कहलाती है। तो नीति आयोग या योजना आयोग इस तरह की संस्था भी नहीं थी, वो एक गैर सांवैधिक संस्था कहलाती है। इसका मतलब है न तो विधि के द्वारा स्थापित है न ही संविधान में उल्लेख है। इसे केवल कार्यकारी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया और इसको बना दिया गया, तो ये गैर सांवैधिक संस्था कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे, जो विधानमंडल है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर ये नहीं है। कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संसदीय शासन भारत में, एक तो ये पूछ जाएगा भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इसका जवाब है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अब इसको समझ लेते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है होता क्या है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला सवाल पूछा गया, ये व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये संस्था, ये जो व्यवस्था है हमने ब्रिटेन से इंस्पायर्ड होकर ली है। होता क्या है संसदीय शासन व्यवस्था में? देखो, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है जो हमारी सरकार है वो सरकार इसी संसद के अंदर से बनेगी। ये संसद है और इसके अंदर सरकार है। सरकार हमेशा संसद के अंदर से ही बनेगी, जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार रहेगी। हमारे यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सरकार बनती है वो संसद से, लोकसभा से बनती है। लोकसभा में आपको सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। किसी एक पार्टी को अगर 272 सीटें नहीं मिलती है तो गठबंधन बनाकर आपको सरकार बनानी होती है। जो भी मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वो इसी संसद के अंदर से बनेंगे। ये होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। ये जो मंत्री परिषद है वो संसद के ऊपर डिपेंड है। जब तक बहुमत है सरकार रहेगी, और जैसे ही बहुमत खत्म हुआ सरकार भंग हो जाएगी। यानी कि लोकसभा में जब तक बहुमत है, जैसे ही लोकसभा इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, इसको समाप्त होना पड़ेगा, भंग हो जाएगी ये। यानी सरकार जब संसद के ऊपर डिपेंड हो, सरकार का मतलब है कार्यपालिका, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तब इसको हम कहते हैं ये संसदीय शासन व्यवस्था। जबकि दूसरा जो सिस्टम है अध्यक्षात्मक, उसमें संसद अलग है और वहाँ की कार्यपालिका राष्ट्रपति अलग है। इसको भी जनता चुनती है और इसका चुनाव भी जनता करती है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव जनता नहीं करती है, हम सांसदों का चुनाव करते हैं और सांसद मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं, उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यहाँ सीधे जनता राष्ट्रपति को चुनती है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 SSCCGL का शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। कौन सा कथन सही है? ये कथन इसका सही है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के पहले सत्र, जैसे ही नया चुनाव होगा, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, जो पहला सत्र बैठेगा संसद का, उसको
संबोधित करते हैं और संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ऐसा आर्टिकल 87 में लिखा है। इसके साथ ही जो ऑप्शन दूसरा दे रखा है, ये अनुच्छेद 87 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक नए सत्र को, यहाँ पर आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा, साथ ही हर साल के जो पहला सत्र होता है वो सामान्यतः वो बजट सत्र ही होता है, उसको भी संबोधित करेगा। तो ये अगला ऑप्शन देखिए, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के पहले सत्र को भी संबोधित करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। ये सवाल SSC में आया था और ये एक तरह से वहाँ पर बोनस मार्क्स की तरह है, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें सही किए जा रहे हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। आर्टिकल 87 में दोनों ही बात की गई है, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र को भी अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं संयुक्त रूप से, और साल का जो पहला सत्र होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा अभी बजट सत्र 1 फरवरी से हमारा बजट सत्र स्टार्ट हुआ, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया था। तो ये दोनों ही बातें लिख रखी, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। आगे लिखा है संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, नहीं करते हैं, संसद में बात करते हैं सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं, इसका जवाब होगा 3 सत्र होगा। सबसे पहला सत्र फरवरी से लेकर मई तक भी चलता है, उसको बजट सत्र कहते हैं। दूसरा सत्र ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र होता है, जो जुलाई अगस्त में होता है, और तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र कहलाता है, ये मौसम के अनुसार बटे हुए हैं। सर्दियों में शुरू होता है नवंबर दिसंबर में, तो उसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो संसद में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, नियम यह है कि कम से कम न्यूनतम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, नियम यह है कि न्यूनतम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब यह है कि 2 सत्र अगर न्यूनतम रख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहला सत्र जनवरी में और दूसरा सत्र नवंबर में हो, क्योंकि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। हालांकि हमारे सामान्यतः 3 सत्र होते हैं और वो 3-4 महीने के अंतराल पर हो जाते हैं, और राष्ट्रपति पहले सत्र को भी संबोधित करेंगे और आम चुनाव के बाद पहले सत्र को और साल के पहले सत्र को भी संबोधित करेंगे, हर सत्र को संबोधित नहीं करते हैं और कभी संबोधित नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, जब संसद के सत्र को वो संबोधित करते हैं तो उसके बाद संसद की तरफ से उनको धन्यवाद दिया जाता है, सत्ता पक्ष की तरफ से उनको धन्यवाद दिया जाता है, वो एक अपना अभिभाषण पढ़ते हैं, अभिभाषण सत्ता पक्ष के द्वारा ही तैयार होता है, उसके बाद जो धन्यवाद दिया जाता है उसको हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। हमने जो पहला हमारा सवाल पढ़ा था उसमें प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रस्ताव और भी होते हैं तो इसमें एक धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है, यहाँ पर हम धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, एक धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है, ये राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो हमारे पूरे देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सबसे पहले पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी, वो देश की भी बन गई। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, एनी बेसेंट, सुश्री मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी। मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे इसका आंसर क्या है, एनी बेसेंट तो नहीं है, ठीक है। मायावती जी वो भी मुख्यमंत्री रही है लेकिन वो पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं, इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी, जो आचार्य JB कृपलानी जी की धर्मपत्नी थी वो सुचेता कृपलानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, सुचेता कृपलानी, और वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ये दुनिया की पहली अध्यक्षा बनी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 1953 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। सुश्री मायावती आप जानते होंगे, सुश्री मायावती के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं, ये वर्तमान में BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, ये भी UP की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दलित CM थी, SC कम्युनिटी से आती थी, और इनके बारे में ये फैक्ट है, आज तक कोई भी SC कम्युनिटी से कोई भी चीफ मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, ये देश की पहली ऐसी दलित CM है, SC कम्युनिटी CM है, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है 5 साल का। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मायावती जी के बारे में है। इन्होंने ये BSP पार्टी से बिलोंग करती है, BSP पार्टी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1984 में BSP की स्थापना हुई, कांशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आप और जान सकते हैं, कांशीराम इनके संस्थापक हैं, बाद में मायावती के हाथ में उन्होंने इस BSP का जो नेतृत्व है वो सौंपा और वो इसके साथ मुख्यमंत्री भी रह चुकी। एनी बेसेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, एनी बेसेंट भारतीय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, होम रूल लीग आंदोलन चला था, बाल गंगाधर तिलक उनके साथ वो भी भागीदार थी, इन्होंने भी चलाया था होम रूल आंदोलन। 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, इनके काम को देखते हुए 1917 में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 18। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21, जिसमें आपने देखा होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं जीवन का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल में जीवन के अधिकार के बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की है अनुच्छेद 21 की। अब तक सबसे ज़्यादा जिसकी विस्तृत व्याख्या की है वो अनुच्छेद 21 है। तो जब जीवन के अधिकार की बात आता है, सम्मानपूर्ण जीवन की बात आती है, तो सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन तभी हो सकता है जो व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार भी मिले। तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने, ध्यान देना, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार भी एक अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 की बात करें, 19 में एक सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार आता है नागरिकों को, जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, तो वो अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 20 में ये अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस तरह की बात इसमें लिखी हुई है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ, जब देश में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, देखो सवाल कहाँ से पूछेंगे, जब देश में आपातकाल लगता है, एक तो आपातकाल का अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब देश में आपातकाल लगता है तो जो सबसे पहले आर्टिकल समाप्त निलंबित होता है वो ये है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। और दूसरा सवाल, अनुच्छेद 20 और 21 दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते, ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और अनुच्छेद 18 में क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ उपाधियों का अंत, राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 18 में लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का सदस्य नहीं है? तो देखो यहाँ पर NDC लिखा हुआ है, कहाँ NDC का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है कौन NDC का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति NDC के सदस्य नहीं। अब देखो NDC क्या है, NDC का गठन 1952 में होता है, ये पहले योजना आयोग के साथ काम करती थी, लेकिन जैसे ही नीति आयोग बना इसका काम एक तरह से खत्म हो गया, इसको तो खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया गया लेकिन बाद में प्रस्ताव पास नहीं किया अभी तक और ख़त्म नहीं हुई, अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब इसका कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है, वो सारा काम अब नीति आयोग ही कर लेता है। तो इसका जो सदस्य होता है, क्योंकि जो नीति आयोग के साथ जुड़े हुए हैं वो NDC के साथ भी ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के तौर पर रहते हैं, 1952 में इसकी स्थापना होती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी NDC के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि NDC भी एक तरह से ये जो संस्था है ये गैर सांविधिक संस्था है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात करें तो ये अनुच्छेद 32 में आता है, पहला सवाल यहीं से बनता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 32 में। किस प्रकार का अधिकार है? ये एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी अनुच्छेद 32, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में ये कहते हैं, अगर कोई मुझे कहे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही अनुच्छेद 32 है और मैं इसे संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा देता हूँ, वो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, ये किस प्रकार का अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार ही नहीं, मौलिक अधिकारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक अधिकार है, अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार में लिखा है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी के साथ अनुच्छेद 226 में भी यह है कि अनुच्छेद 226 में यह बात लिखी हुई कि व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट? इसमें अनुच्छेद 32 में और 26 में, 226 में 5 प्रकार की रिट के बारे में बात की गई है। रिट एक इंग्लिश वर्ड है, 5 प्रकार के रिट जिसको हम हिंदी में समादेश, समावेदन या प्रलेख कह सकते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब सवाल यहाँ से ये पूछा जा सकता है वो 5 प्रकार के रिट कौन सी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है, मैं सिर्फ बोलकर बता देता हूँ आपको, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरी आती है परमादेश मैंडेमस, तीसरी आती है
प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, चौथी आती है उत्प्रेषण और पांचवी आएगी अधिकार प्रचार। ये पांच प्रकार की रिट, इनके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन सी इसमें नहीं आती है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, ऑप्शन में हमें आपसे आपको निषेध आज्ञा, इस तरह की एक याचिका, एक तरह इस तरह की रिट मिलेगी आपको, निषेध आज्ञा। निषेध आज्ञा का उल्लेख इन पांच में नहीं है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, ये मिल जाएगी, लेकिन निषेध आज्ञा इसके साथ ऑप्शन में आएगा वो इसमें शामिल नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह। तो इसका सही आंसर है बाल विवाह से संबंधित है। ये जो शारदा एक्ट है इसके बारे में जानते हैं। शारदा एक्ट 1929 में आया था, शारदा अधिनियम, इसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। ये 1929 में आया था, ये श्री अजमेर के थे, श्री हरविलास शारदा, उनके नाम से इसका नाम शारदा एक्ट पड़ गया। उनके प्रयासों से बाल विवाह के लिए अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था, इसके नाम से आ गया था शारदा एक्ट। इस शारदा एक्ट में क्या था, उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बनाने के लिए एक तरह से आंदोलन चलाया था, तो उनके नाम से ही शारदा एक्ट पड़ा। उस कानून में यह था कि 14 साल से कम लड़की हो और 18 साल से कम का लड़का हो तो उनकी शादी बाल विवाह के अंतर्गत मानी जाएगी और एक कानूनन अपराध के तौर पर हो जाएगा। ये शारदा एक्ट में था, 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए। आपको पता होगा कि वर्तमान में जो कानून है ये 1978 में बना, और 1978 का कानून ये कहता है कि शादी के लिए जो उम्र है भारत में लड़कों और लड़की के लिए, तो लड़की के लिए वो 18 वर्ष कर दी गई है और लड़कों के लिए उम्र अभी वर्तमान में 21 वर्ष है। ये 1978 से चल रहा है, उसके पहले जो शारदा एक्ट चल रहा था उसमें ये एज थी। ठीक है, तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर एक सवाल कब आया, यहाँ ऊपर लिखा हुआ, आप इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे सवाल वही सवाल हैं। मैं मकसद ये नहीं है कि वो पिछले सवालों को मैं सोल्व करवाऊँ, मकसद ये है कि इसके अलावा जो जानकारी है आप उसको भी जान पाए। हम डिटेल में एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए सवाल भी वापस एस एस सी में इसी तरह के सवाल पूछ जाते हैं कि जो सवाल पिछली बार पूछा उनसे रिलेटेड कुछ और सवाल पूछ ले जाएंगे। तो इसके आसपास जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे एग्जाम में भी इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानकारी मिलने वाली हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। एक सवाल यहाँ से बनता है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो मंत्रिपरिषद है। अब देखो, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किसके प्रति होती है, तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का इसका मतलब है किसी सामूहिक रूप से किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, यह कहलाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद तभी तक है जब लोकसभा में उनका बहुमत है, एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित है सभी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, यह कहलाता है सामूहिक। अब यहां से सवाल में कन्फ्यूजन क्या होता है, यहां से जब सवाल पूछा जाता है कि उल्टा पूछ लिया जाता है, जब आपको कथन देखना होता है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन, तो इसमें यह आता कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति, गलत कथन है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति, गलत कथन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो संसद के प्रति नहीं, स्पेशली आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो किसके कहने पर करेंगे, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे मंत्री बना सकते हैं, जिसे चाहे मंत्री से बर्खास्त कर सकते हैं, उसकी सिफारिश वो राष्ट्रपति को करेंगे। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करते हैं, किसी को बर्खास्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करें, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं, कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। देखो, मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ, यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो अनुसूची 7 में 3 सूचियों की बात करता है। 3 सूचियों में यहाँ पर कौन कौन सी सूची है उसकी बात करते हैं। पहली सूची हमारे पास आती है संघ सूची। इस संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है उसकी बात करते हैं।
राज्य सूची और इसके अलावा राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बना सकता है केवल केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची में कानून दोनों ही बना सकते हैं, केंद्र भी राज्य में। लेकिन जब दोनों एक साथ कानून बनाते हैं और टकराव होती है तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। ये समवर्ती सूची में भारत में इस तरह की है। इसमें विषय कितने हैं उसकी बात करते हैं, तो इसमें विषय हैं 100 विषय नहीं, इसमें यहाँ पर देखो मैं इसको दो तरीके से, इसमें पूर्व में विषय कितने थे एक तो वो लिखते हैं, पूर्व में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकते हैं। पूर्व में जो विषय थे वो 97, 66 और 47, ये विषय पूर्व में थे। बाद में ये बढ़कर 100, 61 और 52 हो गए। लेकिन अब वर्तमान में लेटेस्ट क्या चेंज हुआ उसकी बात करते हैं। पहले 100 था, अब वापस से 2 कम हो गए, 2 को हटा दिया गया, अब 98 है। ध्यान रखना अब लेटेस्ट ये चेंज हो चुका है। 98 पहले यहाँ पर 61 था, अब 2 और कम हो गए, अब 59 हो चुके हैं। पहले यहाँ पर 47 थे, अब 52 विषय हो चुके हैं। तो वर्तमान में विषय कितने ये हैं। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, अब हम सवाल पर आते हैं। ये कह रहा अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं था, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको कहते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे संघ सरकार में 98 विषय हैं, जैसे सेना संघ सरकार के अंडर में आती है, रेलवे, डाक, ये सारे संघ सरकार के अंडर में आती है, पुलिस है, कृषि है, राज्य के अंडर में आती है, शिक्षा है, ये समवर्ती में आएगी, शिक्षा है, वन है, समवर्ती में आएगी। कुछ ऐसे विषय जो तीनों में ही शामिल नहीं हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, तीनों में ही शामिल नहीं है, जैसे अंतरिक्ष एक विषय है, साइबर क्राइम के विषय हैं, वो अवशिष्ट विषयों में आ जाते हैं। ये सवाल पूछ रहा है कि अवशिष्ट विषय जो बच गए हैं विषय, उस पर कानून कौन बना सकता है। तो इसका जवाब है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संघ के पास है। तो इसका संघ का मतलब है संसद ही उस पर कानून बना सकती है, उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। और हम जानते हैं कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, कानून बनाने का काम संसद करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय सेवा के लिए नियुक्ति कौन करता है। देखो एक सिंपल सा सवाल है, एक तरह से वापस रिपीट हुआ जैसा सवाल अभी हमने बात की थी, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। तो ध्यान दीजिए अखिल भारतीय सेवा कौन सी है पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवा कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी वर्तमान में 3 प्रकार की सर्विस हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, दूसरी है IPS और तीसरी है IFS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ध्यान देना ये फॉरेन सर्विस नहीं है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है, भारतीय वन सेवा है। वर्तमान में 3 ही सेवाएं जिसको हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, इनको अखिल भारतीय सेवाएं क्यों कहते हैं। इसके अलावा जो सर्विस है जैसे अकाउंट सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, IRTS रेलवे सर्विसेज है, ठीक है, वो केंद्रीय सेवाएं कहलाती है, सेंट्रल सर्विसेज कहलाती है, वो केंद्र सरकार में ही काम करते हैं, वो राज्य सरकार में काम नहीं करते। ये इनको एग्जाम UPSC करवाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये काम राज्य सरकारों के लिए करते हैं, राज्य सरकार के लिए ही भी काम करते हैं। तो ये ऑल इंडिया में काम करते हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज होगी, बाकी ध्यान देना वो सेंट्रल सर्विसेज। सवाल क्या पूछ रहा है, अखिल भारतीय सेवा के लिए नियुक्तियां कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान दीजिए संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसका काम चयन तक सीमित है, नियुक्ति नहीं करता है। नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और पिछले सवाल में हमने इसको डिस्कस किया, इनको बर्खास्त करने का अधिकार भी राज्य के पास नहीं है, राष्ट्रपति ही बर्खास्त कर सकते हैं, राज्य नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, संसद इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है। संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या भारत के अटॉर्नी जनरल। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, तो संविधान की देखो संविधान में कानून निर्माण करने का अधिकार संसद के पास है, कानून को लागू करने का अधिकार ये कार्यपालिका यानी सरकार के पास है, और उस कानून की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को दे रखा है। आर्टिकल 13 भी ऐसा ही कहता है, 13 मौलिक अधिकारों की बात करता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स में भी लिखा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। तो इसका सही आंसर है भारत का सुप्रीम कोर्ट। एक यहाँ पर और नया शब्द आ रहा है, भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में सवाल क्या बन सकते हैं वो भी बात करते हैं। देखो महान्यायवादी के बारे में एक तो सवाल बन सकता है कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा 76 में लिखा हुआ है। तो नियुक्ति कौन करते हैं, जवाब होगा राष्ट्रपति।
ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही इनको शपथ देते हैं। और क्या सवाल बन सकता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि अधिकारी किसको कहते हैं? तो भी इसका आंसर महान्यायवादी होगा। यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, महान्यायवादी को सर्वोच्च विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। अब सवाल है कि ये काम क्या करता है? ये एक तरह से सामान्य भाषा में कह सकते हैं ये सरकार का वकील है, सरकार की पैरवी करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सरकार के भी विरुद्ध बहुत सारे केसेस जाते हैं, तो उनको लड़ने के लिए कौन जाएगा? प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, उनके लिए केस लड़ने जाते हैं महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ये सवाल पूछा जाए तो के वेणुगोपाल, श्री के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और ये कौन बन सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है? तो सामान्य योग्यता तो हमें पता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहो, या कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के लिए जज रहो, जस्टिस रहो, ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? देखो यहां पर एक सवाल आ रहा है, प्राक्कलन समिति, ये संसद की समितियों के बारे में बात करता है। संसद की सबसे इंपॉर्टेंट समितियां हैं वित्तीय समितियां। संसद में यहाँ अगर समितियों की बात करें तो तीन प्रकार की समितियां मुख्यतः होती है। स्थायी समिति, जिसमें वित्तीय समिति आ जाएगी, एक होती है तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर बनाई जाती है, जरूरत खत्म होने पर वापस हट जाएगी, ठीक है। एक होती है विभागीय समितियां, ये वित्तीय समितियों के प्रकार हैं। वित्तीय समितियों में अभी हमने पहले एक बात करी थी, एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति है लोकलेखा समिति, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी शॉर्ट में कह सकते हैं। ऐसे ही एक समिति यह है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी इसको कहते हैं। अब ये कह रहा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति को कहते हैं। ये लोक लेखा समिति और पीएससी दोनों ही वित्तीय समिति के प्रकार में आती है, और दोनों को एक जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है। पीएससी के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, पीएससी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति का, इसको आकलन समिति, अनुमान समिति भी कहते हैं, एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में क्या सवाल बनता है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? वो प्राक्कलन समिति। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सदस्य इसी में होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। हमने पीएससी के बारे में बात की थी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, पीएससी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, लेकिन इसके सारे के सारे 30 सदस्य वो लोकसभा से होंगे, एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है वो काम क्या करती है, बजट का अनुमान लगाती है। देखो प्राक्कलन, आकलन या अनुमान, ये बजट का अनुमान लगाती है, किस मद के लिए कितना बजट चाहिए, तो अनुमान लगाने का काम करती है। किसका? बजट। बजट एक इम्पोर्टेंट बात, बजट एक धन विधेयक है। आगे जब टॉपिक आ गए तो हम धन विधेयक की बात करेंगे। क्या है? बजट एक धन विधेयक होता है, और धन विधेयक पर सारी पावर लोकसभा की होती है, इसलिए इसके सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होंगे। कितने सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल, 30 सदस्य हैं, और 30 सदस्य सबसे ज्यादा सदस्य इसी में होते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ी समिति भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, इसकी जुड़वा बहन। इसके अलावा लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम समिति भी होती है, यह भी वित्तीय समितियों में आती है। इसके अलावा हमने बात की विभागीय स्थायी समिति और कुछ विशेषाधिकार समिति यहाँ पर दिया है, ठीक है। विशेषाधिकार समिति जो देखती है संसद के कुछ विशेषाधिकारों के बारे में। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हम डिटेल में बात कर चुके हैं वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति अभी हमने बात करी थी। वित्त आयोग हर 5 साल बाद में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, और वो नियुक्ति करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 में ऐसा लिखा है कि प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जो मार्च 2020 में ही खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2020 को, और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 2025 तक 15वां वित्त आयोग चालू हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 2020 से 25, 5 साल तक चलेगा, और उसके अध्यक्ष एनके सिंह है। सवाल आता है कि वित्त आयोग काम क्या करता है, ये वित्त आयोग काम क्या करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग है, भारत का केंद्रीय वित्त आयोग। इसका काम है सरकार के पास टैक्स से जितना भी पैसा आता है केंद्र सरकार के पास, वो वापस बंटवारा करता है राज्यों को, केंद्र के पास भी रखता है राज्य को, किस राज्य को कितना पैसा देना है, राज्य को कितना देना है, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कितना रखना है, किस राज्य को कितना रखना है, इसकी सिफारिश ये भारत सरकार को करता है। सड़क ये जो सिफारिश करता है, वो सिफारिश कैसी होती है, बाध्यकारी या सलाहकारी, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो ध्यान देना, ये सलाह बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाहकारी है,
भारत सरकार चाहे तो इनकी सलाह नहीं भी माने, वो बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये सलाह देने का काम करता है, ये कहलाता है केंद्रीय वित्त आयोग। बाकी के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर होते हैं, वो इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 86वां संविधान संशोधन। ये 2002 में हुआ। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, 86वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और उसमें तीन जगह चेंजेस हुआ। सबसे पहले मूल अधिकार में चेंजेस हुआ, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A या 21 क कह सकते हैं, और इसमें यह लिख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका अब मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा। अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन के लिए जुड़ा हुआ, उसका फंडामेंटल राइट होगा। दूसरा चेंजेस, ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार के बाद आता है DPSP, नीति निषेध तत्व, अनुच्छेद 45 में चेंज किया गया। जब ये मूल अधिकार नहीं था तब ये सरकार का कर्तव्य था। मूल अधिकार का मतलब है आपको ये अधिकार देना ही पड़ेगा। पहले ये सरकार का कर्तव्य होता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य, अब सरकार का कर्तव्य नहीं रह गया, अब तो देना ही पड़ेगा, मूल अधिकार बन गया। पहले इसमें था, अब इसको हटाकर इसमें जोड़ दिया गया, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, अब इसमें ये लिख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष नहीं, उनसे जो छोटे बच्चे हैं, 6 से जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान सरकार रखेगी, उनके बचपन का देखभाल भी सरकार करेगी, ये इसमें चेंज कर दिया गया, ये भी इसी के तहत हुआ। और तीसरा चेंज, अधिकार, नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 क, अभी हमने मूल कर्तव्य की बात की थी, मूल कर्तव्य में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, एक अनुच्छेद 51 क, उसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति है अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये 11वां मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो तीन बातें ध्यान में रखनी है, और ये आर्टिकल, ये जो संविधान संशोधन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है हमारे यहाँ पर संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और सदन की बात करें तो दो सदन होते हैं। संसद की बात करें तो आर्टिकल 79 में आएगा, उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो यह अनुच्छेद 80 में आता है, और उसके बाद लोकसभा की बात करें तो यह अनुच्छेद 81 में आता है। ये कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हमें पता है लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता सीधे करती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधे लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। ये पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पहली चीज, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता सीधे नहीं करती है, तो एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट हो गया, जनता नहीं करती है। लोकसभा के द्वारा, लोकसभा भी नहीं करती है। विधान परिषद के सदस्य, नहीं वो भी नहीं करते हैं। ये राज्यों की सभा है, तो राज्य में जो विधानसभा है वो विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर विधानसभा के चुने हुए सदस्य। अगला सवाल, इनकी चुनाव प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है, चुनाव प्रणाली कौन सी है? तो इनकी चुनाव प्रणाली वही है जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय प्रणाली, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसको कहते हैं। ये इसकी चुनाव प्रणाली है राज्यसभा के सदस्यों की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? संघ सूची का कोई भी विषय राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य, वो कैसे सौंप सकते हैं? तो इसका सही आंसर है वो राज्य सरकार से परामर्श करके ही ऐसा कर सकता है, बिना राज्य सरकार की परामर्श से वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने विवेक से नहीं कर सकता, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नहीं होता है, नहीं राज्यपाल, वो राज्य सरकार से उसके लिए परामर्श करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर जगह 42वां संविधान संशोधन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संविधान, इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि एक नया संविधान बनकर तैयार हो गया, एक नए संविधान की तरह, एक छोटे संविधान की तरह लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। इस समय प्रधानमंत्री, तो इस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंज किए। ये कह रहा इस समय प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा था? तो प्रस्तावना में तीन शब्द जुड़े थे, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, SPA, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, समाजवादी,
पहला शब्द हमें मिलेगा समाजवादी। कई बार इसी क्रम में पूछा था कि किस क्रम में जोड़े थे, तो वो इसी क्रम में एस, उसके बाद पी में आप ध्यान रखेंगे पंथ निरपेक्षता। इसी पंथ निरपेक्षता को हम धर्म निरपेक्षता भी कह सकते हैं, तो पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। और तीसरा यहाँ पर शब्द हो सकता है अखंडता। तो तीन शब्द यहाँ से जोड़े गए। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, लोकतांत्रिक ये पहले से मौजूद था, समता ये पहले से मौजूद था, धर्म निरपेक्ष और समाजवादी, दो आंसर इसके दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ही आंसर सही है। ये सवाल ही गलत आया था एग्जाम में, तो इसका सही आंसर धर्म निरपेक्ष भी सही है, समाजवादी भी सही है। देखो बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अलग है क्या, इंग्लिश में इनके लिए एक ही वर्ड आता है सेक्युलर, लेकिन जब इसका हिंदी वर्जन है तो इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, धर्म निरपेक्ष शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में भी कई बार पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष भी लिखा गया, तो उसे सही मानना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर पंथ निरपेक्ष लिखा है धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। एग्जाम में पंथ निरपेक्ष की जगह कई बार धर्म निरपेक्ष ही लिखा आता है, और इसे हमें पंथ निरपेक्ष को ही मानना है, अलग नहीं मानना है। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं, भारतीय संविधान, आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 57 में कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं। आगे यहां पर लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन भी नहीं है जैसे अमेरिका में है कि कोई व्यक्ति दो कार्यकाल तक के लिए ही राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कोई व्यक्ति दो बार के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, एक बार बनने के बाद दूसरी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी वहाँ पर 4 साल का कार्यकाल है, तो 4+4 कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 8 साल के लिए ही बन सकता है, जबकि भारत में जब तक है जान, यानी जब तक वो बनना चाहे तब तक बन सकते हैं, ये भारत में प्रावधान है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री किस आयोग के सदस्य होते हैं, नीति आयोग के, वित्त आयोग के, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। अभी हमने बात कर ली थी वित्त आयोग, ये तो वित्त का बंटवारा करने के लिए बनता है, इसमें मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते। ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग है, उसके सदस्य यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें टोटल ओवरऑल ऑलराउंड इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, 360 डिग्री हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम सारी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीति आयोग के बारे में आता है, इसका गठन कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। ये किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर सांविधिक है, तो इसका जवाब होगा ना तो संवैधानिक है न सांविधिक है, ये गैर सांविधिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि न तो संविधान में कहीं उल्लेख है, न ही विधि के द्वारा स्थापित किया गया, इसको मंत्रिमंडल ने बस अपने प्रस्ताव से बना दिया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पहला सवाल आएगा इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष इसका एक पद होता है, और इसको कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा भी मिलता है। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी में बहुत पूछा जाता है नीति आयोग के बारे में, उनके उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा सकता है, इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ वर्तमान में श्री अमिताभ कांत। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय काउंसिल जो बना रखी होती है, उसके सदस्य होते हैं राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के होते हैं। चुनाव आयोग के बारे में बात हो चुके हैं, राष्ट्रीय आयोग यहाँ पर कोई विशेष कोई ऐसा आयोग है नहीं राष्ट्रीय आयोग नाम से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है, प्राकलन से, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, या सभी विकल्प सही है। देखो हमने बात कर चुके हैं पहले लोकलेखा समिति के बारे में कि लोकलेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं, तो सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इससे जुड़े हुए। थोड़ा सा हम सीएजी के बारे में बात कर लेते हैं। सीएजी इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है, तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बारे में, 148 से 151 के बारे में सीएजी के बारे में दे रखा है। 148 में इसकी नियुक्ति के बारे में लिखा है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल कितना होता है 6 साल होता है, और एक संवैधानिक पद है, इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं, सरकार इसको नहीं हटा सकती है। वर्तमान में सीएजी कौन है, तो ये बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। वर्तमान में हमारे सीएजी श्री राजीव महर्षि
वर्तमान में CAG बनाए गए हैं, तो CAG हैं राजीव महर्षि। ये काम क्या करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नाम से पता चल रहा है, ये लेखा परीक्षण करते हैं, ऑडिट करते हैं। सरकार के पास जितना भी टैक्स के पैसा आता है, सरकारी कंपनियों से पैसा आता है, उन सबका ऑडिटिंग करने का काम इनका होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार के बहुत सारे कामों की भी ऑडिटिंग करता है, ये काम इनका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ, कहाँ से लिए गए, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए थे। यही आदर्श हमारे प्रस्तावना में भी उल्लेखित थे। हमारे इस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता की बात होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बंधुता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाला भाईचारा, बंधुत्व, ये हमारे प्रस्तावना में लिखा। तो ये हमने फ्रांस की क्रांति से ली, जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें ये मुख्य नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसको हमने अपने संविधान में भी शामिल किया। नेक्स्ट, अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, किसको संबोधित करते हैं वो अपना त्याग पत्र देंगे? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, ये इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, हमने बात कर ली थी, श्री ओम बिरला। उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी फिलहाल नियुक्ति नहीं हुई है नई लोकसभा में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की है, ये हमारे सामने सवाल आया। वैसे तो देखा जाए तो ये हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास का सवाल है, लेकिन देखते हैं इसके बारे में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, फिर अपना आंसर भी हमें सीधा मिल जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो स्थापना होती है 28 दिसंबर, डेट समेत आपको ध्यान में रखना है, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का नाम आता है, इनकी सहायता से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कांग्रेस की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम को दिया जाता है। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम एक, तो इनके बारे में आता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की। वैसे तो ये अंग्रेज सरकार जो उस समय के लॉर्ड डफरिन, वो बड़े आलोचक थे इस कांग्रेस बनाने के, लेकिन A.O. ह्यूम वास्तव में अंग्रेजों की सहायता है, जैसे जो विरोध विद्रोह बढ़ रहा था उसे शांत करने के लिए एक तरह से एक सेफ्टी वॉल्व की संख्या दी जाती है कांग्रेस की, कि उसको शांत हो जाए तो एक बस एक तरह का पार्टी बना दो, लेकिन वही बाद में पार्टी एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती। तो इसके लिए A.O. ह्यूम का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसकी स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी। सवाल आ रहा कि पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद एक और आ रहा है बदरुद्दीन बनर्जी, इनके बारे में बात करते हैं। बदरुद्दीन बनर्जी ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, तीसरे अध्यक्ष यही थे, और इनका नाम आता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब आएगा बदरुद्दीन तैयब जी, वास्तव में बनर्जी नहीं, इसका नाम बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम था, तो बदरुद्दीन तैयब जी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल आता है पहले अंग्रेज या पहले ईसाई इनके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले का नाम आता है, वो चौथे अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले इनका नाम आता है। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन आपके सामने है, 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 3 वर्ष। वैसे देखा जाए तो इसका सही आंसर इन चारों में नहीं है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल कभी फिक्स नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, ड्यू टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये संविधान में लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, ये एक शब्द आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, हालांकि राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है, वो केंद्र के मंत्रिपरिषद के कहने पर ऐसा करता है। राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं, उसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता, लेकिन साथ में ये भी लिखा है वो सामान्यतः 5 वर्ष, देखो ध्यान देना, सामान्यतः 5 वर्ष ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन में 5 वर्ष भी दिया हो और ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी दिया है, तो पहले प्रायोरिटी हमें इसको देनी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहता है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए रहता है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो इससे पहले भी किसी को नियुक्ति होने के बाद 2 महीने बाद भी वापस हटा सकता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ये राज्यपाल का पद है, आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा,
अनुच्छेद 153 में ये लिखा है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में एक सातवां संविधान संशोधन करके ये जोड़ दिया गया कि दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पूछा जा सकता है वो 155 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद 155 में लिखा है। और एक और आर्टिकल हम याद रख सकते हैं अनुच्छेद 159, जिसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में लिखा है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिस राज्य में है उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्याग पत्र भी वापस राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है। ये भी वैसे तो सीधे सीधे हमारे पॉलिटी से जुड़ता नहीं है, ये स्टेटिक जीके में सवाल हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो संगठन है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। उनके परमानेंट मेंबर 5 स्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसके परमानेंट मेंबर ऑप्शन सही है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये इसके 5 स्थायी सदस्य है जिनको वीटो पावर भी मिली हुई है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है, ये हमारा सवाल है। तो किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति में किसी भी जाति को शामिल करना निकालना ये अधिकार संसद को मिला होगा, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, तो संसद के पास इसका अधिकार दिया हुआ है। आगे देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर SC और ST दोनों के लिए आयोग बना हुआ है, ये आयोग कैसे है, तो पहला जवाब है संविधान में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 338 में SC आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 338A में ST आयोग का उल्लेख है। जब दोनों का संविधान में उल्लेख है तो ये एक संवैधानिक संस्था है, SC आयोग और ST आयोग। बाद में OBC आयोग जिसको हम अब NCBC कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको भी संविधान में दर्जा दे दिया गया और ये 338B में शामिल कर दिया, तो अब ये भी एक संवैधानिक संस्था हो गई। पहले सिर्फ सांविधिक संस्था थी क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1992 में हो चुकी थी, संसद ने की थी, लेकिन अब NCBC को 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। देखो काफी पॉपुलर योजना है उज्ज्वला योजना, और आप सब जानते हैं ये LPG गैस सिलेंडर देने से संबंधित है, जो भी पिछड़े वर्ग से हैं, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, BPL वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को LPG गैस दिया गया, तो सामाजिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से संबंधित भारत सरकार की योजना थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना, ठीक है, और इसका टैगलाइन बेहतर ईंधन की ओर, इस तरह की टैगलाइन भी है आप देखा होगा, ठीक है। तो ये इसमें निःशुल्क LPG गैस का वितरण किया गया जो भी BPL परिवार से महिला थी उनको, और इसका जो टारगेट है वो 8 करोड़, पहले 5 करोड़ तय किया गया, 8 करोड़ BPL महिलाओं को, BPL परिवार को ये गैस कनेक्शन देने की योजना थी। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, वैसे ये भी सवाल सीधे सीधे पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ता, ये इकोनॉमिक का सवाल हो सकता है। राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, वैसे तो हम सीधे बता सकते हैं ये वित्त आयोग नहीं करता है, राष्ट्रीय आय CSO करता है, सेंट्रल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO, ये राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। भारत की आर्थिक जनगणना ये भी कह सकते हैं, इसका भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है। आगे सवाल देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हो जाए, केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में विवाद हो जाए उसका न्याय निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उनकी जो क्षेत्राधिकारी था उसको हमने मूल क्षेत्राधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, न्यायिक क्षेत्राधिकारिता में बांट रखा है। ये कह रहा है कि दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, चाहे केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद आ जाए, उसकी सुनवाई मूल क्षेत्राधिकारिता में आती है। अब जानते हैं मूल क्षेत्राधिकारिता क्या होती है, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता का मतलब होता है ऐसी क्षेत्राधिकारिता, ऐसी पावर जिसकी, ऐसा केस जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब देखो दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो उसकी सुनवाई भी हाई कोर्ट नहीं कर सकता, उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ऐसे केस जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकारिता, मूल अधिकार। ध्यान देना, कई बार आता है कि मूल अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकारिता, तो नहीं, क्योंकि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है, तो रिट क्षेत्राधिकारिता में आ जाता है। सलाहकार क्षेत्राधिकारिता में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अगर राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे,
तो ये सलाहकार क्षेत्राधिकारिता कहलाती है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये अनुच्छेद 143 में लिखा है। अपील ये क्षेत्राधिकारिता क्या होती है, हाई कोर्ट के विरुद्ध हम अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये अपील ये क्षेत्राधिकारिता में आता है कि हाई कोर्ट के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और न्यायिक क्षेत्राधिकारिता में, तो न्यायिक क्षेत्राधिकारिता में यहाँ पर वैसे तो न्यायिक क्षेत्राधिकारिता जब हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति की शक्ति में भी आता है, उसकी न्यायिक शक्तियों में भी आता है, तो वो समाधान की शक्ति दे सकते हैं। ये न्यायिक क्षेत्राधिकारिता नहीं होता, वास्तव न्यायिक पुनरावलोकन की क्षेत्राधिकारिता, वो न्यायिक शक्तियाँ तो हम कह ही सकते हैं, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की क्षेत्राधिकारिता कह सकते हैं, तब ये ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो अधूरा छपा है इससे थोड़ा कन्फ्यूजन। न्यायिक पुनरावलोकन एक पावर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि संसद ने कोई भी कानून बनाया है उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन की क्षेत्राधिकारिता हम कह सकते हैं। आगे सवाल है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है यानी बजट पास नहीं करवा पाते कोई सरकार, तब क्या होगा? केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामान्यतः ऐसा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। त्यागपत्र उसी कंडीशन में देते हैं जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकार बजट पास नहीं करवा पाती है, बजट एक धन विधेयक होता है और धन विधेयक पर सारी पावर सरकार के पास होती है, संसद में लोकसभा के पास होती है, राज्य में विधानसभा के पास होती है, तो ये कभी भी रुक नहीं सकता धन विधेयक। ये रुक रहा है, ये पास नहीं हो रहा है, बजट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार के पास समर्थन ही नहीं है। और जब सरकार के पास समर्थन नहीं है तो इसके खिलाफ आसानी से अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और नैतिक रूप से अगर बजट पास नहीं करवा पाती कोई भी सरकार तो अपना त्यागपत्र दे देती है मंत्रिपरिषद। वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव के बाद ही मंत्रिपरिषद भंग होती है, लेकिन अगर बजट पास नहीं हो पाता है तो भी मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? कोई भी बाहर का नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कौन नागरिकता प्रदान करता है? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो नागरिकता कौन देंगे? नागरिकता ये मंत्रालय का काम है, तो यहाँ पर दो मंत्रालय दे रखे हैं, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। अब विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो ध्यान देना, विदेश मंत्रालय इसका काम नहीं है, व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है, देश में आ रहा है यानी घर में, इसका मतलब उसका काम गृह मंत्रालय का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय नागरिकता देता है। अब यहाँ से सवाल कुछ नागरिकता से संबंधित बात करते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता कितने आधार पर मिल सकती है? तो नागरिकता कानून 1955 में नागरिकता कानून बना रखा है, इसमें बता रखा है कि 5 आधार बता रखे हैं जिसके आधार पर नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और कोई बाहर का क्षेत्र भारत में मिल जाने पर, ऐसे 5 आधार है। कितने आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है? तो इसके भी 3 आधार बता रखे हैं, कोई नागरिकता स्वतः त्याग दे, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, और तीसरा भारत सरकार उसकी नागरिकता से वंचित कर दे। ये 3 आधार नागरिकता छीनने के, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों सवाल SSC में पूछे जा चुके हैं, नागरिकता प्राप्त करने के आधार, नागरिकता छीनने के आधार। आगे हम इसके डिस्कस भी करेंगे। अभी आपको ध्यान में होगा वर्तमान में नागरिकता कानून बहुत ज़्यादा चर्चा में है, नागरिकता संशोधन कानून 2019। ये 1955 का एक मुख्य कानून था, इसमें चेंजेस हुआ। ये जो CAA 2019 जिस पर चर्चा हो रही है सारी, 2019 पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। मैंने बताया कि 5 आधार है, इसमें जो एक चौथा आधार है प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर का नागरिक और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो अगर वो वैध रूप से पिछले 11 सालों से भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रावधान में अब चेंज कर दिया गया, यही इस कानून में है। इस कानून में लिख दिया कि कोई भी ऐसा बाहर का व्यक्ति जो 3 देश हो, वो 3 देश कौन से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के कोई भी लोग जो 6 कम्युनिटीज हैं, हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है और पारसी है, इन कम्युनिटी के लोग हैं और वो भारत में आते हैं तो उनको 11 साल के बजाय 5 साल के अंदर ही नागरिकता दे दी जाए, और भले ही वो अवैध रूप से भी रह रहे तो उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब इस पे जो सारा विवाद हो रहा है वो इस बात पे है कि इसमें मुस्लिम व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है,
मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा तो उसको वैध नहीं माना जाएगा और नहीं उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ध्यान देना, ये बाहर से आने वाले नागरिकों पर लागू होता है, भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। लेकिन सरकार पर आरोप ये लगा है कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है, ऐसा सरकार के ऊपर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए। तो ये सारी कहानी थी CAA 2019 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत नहीं हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। ये सवाल ये पूछना जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए तो तब क्या होता है। तब 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना होता है, लेकिन तब तक राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ऐसा जो कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन राष्ट्रपति भी नहीं है और अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब क्या प्रोविजन है। तब प्रोविजन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे, ये प्रावधान है। क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? तो एक बार ऐसा केस हुआ है जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। तो वो कहानी शुरू होती है हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1966 से लेकर 1969 में हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे, 1967 कह सकते हैं, 67 to 69 वो हमारे राष्ट्रपति थे। 69 में अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने पर उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वी वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वी वी गिरी जी ने भी 1 महीने के अंदर अपने त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति पद से। तो अब न तो राष्ट्रपति है न उपराष्ट्रपति है। उस कंडीशन में उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ये बनते हैं 20 जुलाई 1969 to 24 अगस्त 1969 में ये देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष, अभी हमने बात की थी 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार लोकसभा के पास है। लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध तो उसको हटना पड़ेगा। प्रस्ताव कितने सदस्यों के द्वारा? तो टोटल जितने भी सदस्य लोकसभा के उसके पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का मतलब कम से कम 272 सदस्य यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव को पारित कर दे हटाने के लिए तो उसे हटना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले 14 दिन पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी पड़ती है। इसके बारे में सवाल पूछा था कितने दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है, तो इसका आंसर होगा 14 दिन। किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? संविधान में संशोधन की बात आ रही है, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये संविधान संशोधन का आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 368 में ये बात लिखी हुई है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा है। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है, संविधान संशोधन किस देश से प्रेरित है? तो साउथ अफ्रीका, इसको हम लिख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पर हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले रखी है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? इसका जवाब होगा तीन प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। पहला है साधारण बहुमत से, फिर दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से एक अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये जो तीन प्रकार है उसमें से जो दो प्रकार है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, वही 368 में काउंट होते हैं। बाकी साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन इसमें काउंट नहीं होते हैं। और अब तक इस बार इस जो इस तरह के हैं वो 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। ये दिसंबर 2019 तक की स्थिति थी कि 104 संविधान संशोधन हम कर चुके हैं। सवाल इससे इंपॉर्टेंट आ सकता है, 104वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 104वां संविधान संशोधन SC ST का आरक्षण 10 साल बढ़ाकर अब 2030 तक कर दिया है, इसके बारे में जुड़ा है। लोकसभा में और विधानसभा में उनका आरक्षण बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सवाल, क्योंकि देखो नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से सवाल बनने की संभावना बहुत अच्छी है कि सवाल बन सकता है। ऑप्शन है डॉक्टर विवेक देवराय, वी के सारस्वत, अरविंद पनगड़िया, अरुण जेटली।
देखो इनमें से तो अभी कोई नहीं है, ये सवाल 2016 का है। 2016 में उस समय थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। अगर कभी भी ये सवाल पूछा जाएगा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमेशा नाम ही निकल आएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, लेकिन बाद में ये त्यागपत्र दे चुके हैं। अभी वर्तमान में बात करें तो इनकी जगह पर डॉक्टर राजीव कुमार है। डॉक्टर राजीव कुमार अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सवाल पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सीधा सीधा अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी अभी इसके अध्यक्ष हैं। ये इनके सदस्य थे, नीति आयोग के स्थापना कब हुई, कौन इनके सदस्य होते हैं, हम बात कर चुके हैं पहले। नीति आयोग का एक और सवाल, पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग यहाँ पर नीति एक शब्द से बना है, NITI से, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है। देखो तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के जो वाइस राय बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, वही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, क्योंकि तो ये पूछ रहा पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल जरूर थे लेकिन भारतीय नहीं थे। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते थे सी राजगोपालाचारी। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। और जे बी कृपलानी, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे जे बी कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, ये पॉलिटी से, संविधान से सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, SSC CGL में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके कार्यकाल में हुई, तो इसका सही आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनके कार्यकाल में। देखो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। सबसे पहले ये 1996 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे उस समय। तो एक इनके बारे में सवाल आता है, अब तक के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन में इनको त्यागपत्र देना पड़ा वापस, तो 13 दिन की सरकार रही है। दूसरी बार 1998 में बनते हैं, 1998 से लेकर 1999 तक रहते हैं 13 महीने। पहली बार 13 दिन की सरकार, दूसरी बार 13 माह की सरकार, और 13 माह के बाद इनकी सरकार वापस से गिर जाती है। और जब तीसरी बार बने तो 1999 से लेकर 2004 तक पूरी सरकार चलाई इन्होंने, और 2004 में ये सरकार में रहे 5 साल के लिए, ठीक है। तो 3 बार ये पद की शपथ ले चुके हैं। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हाल ही में इनका निधन हुआ था, उसके पहले इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? देखो लोकसभा और उससे जुड़े हुए नियम बनाना, उसके जो सचिवालय है वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के ही कंट्रोल में रहते हैं। आपको ये सवाल अब अच्छे से याद हो जाना चाहिए, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा है, इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सांप्रदायिक प्रणाली की पेशकश की थी? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इसको, सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ 1909, 1909 के जो भारत शासन अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के नाम से भी इसको जानते हैं। ये अधिनियम था, इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी भारत में, और यहाँ से ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति थी, इसी के तहत ये स्टार्ट होता है मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता प्रतिरूप, यानी जहाँ पर चुनाव में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी गई और वहाँ पर केवल मुस्लिम ही वो चुनाव लड़ेंगे और वोट देना भी मुस्लिम ही करेंगे, इसे सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक जो बातें हैं वो ज़्यादा बढ़ती है, तो ये बांटने के लिए किया गया। इसमें एक बहुत फेमस कथन आता है मार्ले मिंटो अधिनियम में, जो जॉन मार्ले उस समय भारत सचिव थे, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइस राय थे। तो इनका एक बड़ा फेमस कथन आता है कि ये लागू करके हम ऐसा घातक विष बीज बो रहे हैं, हम ऐसे घातक विष बीज बो रहे हैं जिसके आने वाले भविष्य में इसकी फसल बहुत ज़्यादा कड़वी होगी, यानी ये भारत को बहुत ज़्यादा बांटने वाला है, हिंसा फैलाने वाला है, ये खुद जॉन मार्ले मानते हैं। और यही एक कारण था बाद में, यही हमारे देखो भारत पाकिस्तान का जो एक तरह से विभाजन हुआ उसका बीज यहीं से बढ़ गया, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई गई उसका बीज यहीं से बढ़ता है मार्ले मिंटो अधिनियम से। नेक्स्ट, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसमें तीन शब्द जोड़े गए, SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर है। 44वां संशोधन, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 1978 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो ये आता है कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर अब केवल विधिक अधिकार बना दिया है। तो ये 44वां संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित यानी सत्र बुला सकते हैं और सत्र को स्थगित। देखो यहाँ पर जो सवाल छपा है उसमें एग्जाम में भी इस तरह से आया, स्थगित करना, ये स्थगित करना शब्द एक में एक तरह से गलत है। राष्ट्रपति कभी भी संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकते हैं। स्थगित करने का काम सदन के अध्यक्ष का होता है। वो सत्र को समाप्त करते हैं, जब सत्र पूरा हो जाता है तो सत्र का अवसान करते हैं। तो सत्र अवसान सही शब्द आना चाहिए, न कि सत्र स्थगित करना। जब आपको सवाल पूछे कि सत्र स्थगित करने का काम किसका होता है, वो राष्ट्रपति का नहीं होता, वो सदन के अध्यक्ष का होता है। तो किसके परामर्श से करते हैं, तो ये वो अपनी इच्छा से नहीं करते, वो प्रधानमंत्री की इच्छा से करते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम आज की इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन इनकी अयोग्यता की बात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ये संशोधन था 1985 का था। किससे जुड़ा है? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई और एक कानून बनाया गया था, दल बदल निरोधक अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल निरोधक अधिनियम इसको हम कह सकते हैं। ये 1985 का कानून, इसमें लिखा है कि कोई भी संसद का सदस्य, कोई भी सांसद, कोई भी विधानसभा का सदस्य, कोई भी विधायक यदि चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, वो अयोग्यता में आ जाता है और उसकी सदस्यता को रद्द की जा सकती है। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग नियम हैं लेकिन ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है दल बदल को रोकने के लिए। तो इसका आंसर आता है 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 से। तो ये थे हमारे पहली सीरीज जिसमें मैंने 50 सवालों को क्लियर किया। और सिर्फ मैंने 50 सवाल नहीं, इसके साथ ही मैंने कितने ही सारे सवाल किए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती है। तो मैंने कोशिश की आपको पॉलिटी का एक ओवरव्यू देने की। अगर आप इसे देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इस तरह के और वीडियो आगे लेकर आऊँ। और वीडियो सभी साथियों के साथ शेयर भी करना है। वापस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।